भी है, जैसे बीएससी शिक्षा परिषद में भी परीक्षाएं नहीं ली है, हम लोगों ने उन परीक्षाओं को स्थगित करवा दिया है। 22 तक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी अपने बेसिक शिक्षा परिषद के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के, उच्च शिक्षा के या फिर टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन और हमारे जो अन्य डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट से जुड़े हुए सेंटर हैं, इनको हम लोगों ने 22 मार्च तक के लिए बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। हम लोग 20 को एक बार फिर से पूरे प्रदेश की स्थिति का अवलोकन करेंगे और 20 के बाद फिर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमें इसको आगे करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अभी जो बेसिक शिक्षा की परीक्षाएं परिषद से जुड़ी हुई विद्यालयों में बच्चों की परीक्षाएं थी, उनके लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी कि हम इस दौरान करेंगे, लेकिन अभी ये कार्यक्रम 23 मार्च से प्रारंभ किया जा रहा है कि 23 मार्च से परीक्षाओं के कार्यक्रम संपन्न होंगे, लेकिन 23 मार्च के बाद आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग फिर उस समय 20 को इसलिए टैग करके निर्णय लेंगे किस प्रकार की स्थितियां हैं। मेरा ये मानना है कि परीक्षाएं जो भी हैं, चाहे वो माध्यमिक उसमें जुड़ी हुई 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं होंगी, विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं हैं, ये सभी परीक्षाएं संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं हैं, मदरसा बोर्ड से जुड़ी हुई परीक्षाएं होंगी, ये सभी यथावत चलेंगे, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं यथावत चलेंगी, लेकिन शेष विद्यालय जहां परीक्षाएं नहीं है उन्हें तात्कालिक रूप से हमें 22 मार्च तक हम लोग उन्हें सभी को बंद करने जा रहे हैं पहले चरण में, जिससे किसी भी प्रकार की किसी भी सावधानी को बरतने के लिए हम लोगों में एक व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके।